हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 8, जिसका नाम है पतंग। क्या नाम है? पतंग। तो आज हम लोग पतंग की कविता गाएंगे। सरसर सरसर उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा, अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे अरे कट गई लुटी पतंग, सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। तो पतंग कैसे उड़ रही है बच्चों? सर 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 सर, फर 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 फर। और फिर क्या होता है जब पतंग उड़ाते हैं? तो पतंग एक दूसरे को काटती है, और जब कट जाती है तो उनको लूटा जाता है। लूटने के लिए सब दौड़ते हैं। हाँ, तो हमारी पतंग भी बिल्कुल वैसे ही उड़ रही है। और पतंग कहाँ उड़ती है? आसमान में। और आसमान कैसा होता है? नीला होता है। और पतंग कैसी होती है? सिर्फ नीली होती है, रंग बिरंगी होती है ना। पतंगें कितनी सुंदर सुंदर होती हैं, रंग बिरंगी, है ना। देखो हमारे क्लास में भी तो पीछे चित्र बना है पतंग का। तो हमारी पतंग भी तो देखो, एक रेड कलर की है, एक येलो कलर की है, और देखो बच्चे जो हैं वो पतंग को उड़ा रहे हैं। तो कैसी लगी कविता?